राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सवाईमाधोपुर के इंदिरा मैदान में प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग हुए शामिल। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. मंजू वाघमारे ने भीलवाड़ा में प्रदर्शनी का किया लोकार्पण। श्रीगंगानगर के राज्य सरकार के एक साल पूरे होने कार्यकाल पूरे होने पर सूचना केंद्र में प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। जिला कलेक्टर और एसपी सहित कई गणमान्य लोग हुए शामिल। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर अजमेर में आज राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का किया जा रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा करेंगे 74 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में राशि का सीधा हस्तांतरण। जयपुर में 13वें जयरंगम का दूसरा दिन रहा संवाद, कविताओं और संगीत के नाम। जयपुर के युवाओं ने रंगमंच के अनुभव किए साझा। चूरू में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पंच गौरव कार्यक्रम का किया शुभारंभ। पंच गौरव को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का किया गया अवलोकन। राजस्थान की मतदाता सूचियों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के दौरान महिलाओं ने हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। पुरुष महिला मतदाता लिंगानुपात में हुई वृद्धि। सलूम्बर में राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत 58 युवाओं को मिली नियुक्ति पत्र। अजमेर में प्रभारी मंत्री डॉ. मंजू वाघमारे ने किया जिला विकास पुस्तिका का विमोचन। जिले भर के नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर कार्मिकों को दी शुभकामनाएं। बालोतरा में युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले को लेकर देखा जा रहा है लोगों में आक्रोश। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर धरना जारी। प्रदेश में पीएम कुसुम योजना को मिल रही है गति। 2 माह में योजना के कंपोनेंट सी के तहत स्थापित हुए 42 मेगावाट क्षमता के 15 सोलर प्लांट। जोधपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान के साथ हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आगाज। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रतिभागियों में दिखा उत्साह। प्रदेश में अब सुगम हुई रूफ टॉप सोलर के कनेक्शन की प्रक्रिया। इंस्टॉलेशन के बाद आवेदक को बिजली बिल के साथ ही देने होंगे सभी शुल्क। जयपुर में दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित हुआ युवा सम्मेलन और रोजगार उत्सव। हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र किए गए प्रदान। और करौली में जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह मेडम ने जिला विकास पुस्तिका और प्रचार सामग्री का किया विमोचन। आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कहा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान बनेगा विकसित।